गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास थर्ड। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से पाठ 10 गांधी जी की हिंसा नामक पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे? गांधी जी की हिंसा। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें माना जाता है? राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं ना, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे ना। कविता के माध्यम से गांधी जी व पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच विनोदपूर्ण वार्तालाप, विनोदपूर्ण मतलब हंसी मजाक को ध्यान में रखते करते खुशी खुशी वार्तालाप, मतलब एक दूसरे से बात करना, संवाद से बच्चों को परिचित करवाना। गांधी जी की वेशभूषा कैसी थी तथा वे अपने साथ कौन सी वस्तुएं रखते थे? गांधी जी की वेशभूषा कैसे? गांधी जी हमेशा आधी धोती पहनते, धोती पहनते तो आधी धोती ओढ़े रहते थे, हमेशा हाथ में डंडा दिए रहते थे, उनकी वेशभूषा में चश्मा था और कमर में घड़ी लटकी रहती थी, उनकी वेशभूषा थी ना बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे। एक बार की बात गए जब गांधी के पास जवाहरलाल, एक बार की बात है जब गांधी जी के पास जवाहरलाल गए, नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू उनका नाम था ना, तो ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक बार गांधी जी के पास जवाहरलाल गए। घड़ी थी रात की, कुटिया के कोने में नन्हा दीप था, अंधियारे में दिखी न लाठी पंडित जी को गांधी जी के हाथ की। पंडित जी जब गए तो रात का समय रात थी, कुटिया के कोने में एक नन्हा सा दीपक जल रहा था, उनकी कुटिया थी, उस रात के समय गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, तो रात का समय तो रात में अंधेरा होता ही होता है। कुटिया के कोने में नन्ना मतलब छोटा सा एक दीपक जल रहा था, अंधियारे में दिखी ना लाठी, अंधेरे में लाठी नहीं दिखी उनको, पंडित जी को गांधी जी के हाथ की, पंडित जी को गांधी जी के हाथ की लाठी नहीं दिखी क्योंकि अंधेरा था, दीपक की रोशनी तेज नहीं थी। देखिए आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, गांधी नेहरू बच्चे बात कर रहे हैं, ये पिक्चर है गांधी जी की वेशभूषा, गांधी जी की वेशभूषा दिख रही है और नेहरू जी की भी दिख रही है आपको ना बेटा। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए गांधी जी का घर है, कुटिया है, मतलब घर इस डिजाइन में बना है, गांधी जी हैं, हाथ में डंडा है, कमर में घड़ी लटकी दिख रही है, यही गांधी जी की वेशभूषा थी ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा। और पास उनके पहुंचे इस त्वरा में, और पास उनके पहुंचे इस त्वरा में, त्वरा में जल्दी में, कौन जल्दी में पहुंचे नेहरू गांधी जी के पास? नेहरू जी। वे बेचारे लाठी से टकरा गए, मतलब अब उनके पास जब गांधी जी के पास नेहरू जी जल्दी से पहुंचे, अंधेरा था, उनको गांधी जी के हाथ का डंडा नहीं दिखाई दिया, अब वे बेचारे उनकी लाठी से टकरा गए क्योंकि तो जल्दी में पहुंचे, जल्दी से घुसे कुटिया में, उन्हें उनका डंडा दिखा नहीं, उससे टकरा गए। बहुत नहीं लेकिन थोड़े लड़खड़ा कर कुछ गुस्से में आए, कुछ घबरा गया, मतलब जब लड़खड़ा, मतलब जैसे कभी हम लोग के पैर कोई झटका लग जाता है, कहीं ठोकर लगते जाता है ना, गिर जाएंगे लेकिन गिरते नहीं है, पैर डगमगा जाना उसको कहते हैं लड़खड़ा जाना। कुछ गुस्से में आए, कुछ घबरा गए, कुछ थोड़ा सा गुस्सा आया लेकिन फिर घबरा गए। थोड़े कुछ झल्लाकर बोले, आप तो प्रेम अहिंसा के हामी हैं, फिर भला पांच हाथ का इतना मोटा लठिया रहता किस लिए बगल में डरा? नेहरू जी बोले कि गांधी जी कि आप तो इतने लंबे चौड़े हैं और प्रेम अहिंसा के हामी हैं, आप प्रेम अहिंसा वाले हैं, किसी को हानि ना पहुंचाने वाले, तो फिर आपके हाथ में इतना मोटा लठ क्यों रहता है? गांधी जी से नेहरू जी ने कहा। ये पिक्चर देख रहे हैं, गांधी नेहरू जी बात कर रहे हैं, यहाँ भी दोनों लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं। गांधी जी मुस्कुरा उठे इस क्रोध पर, मतलब गांधी जी को हंसी आ गई नेहरू जी के क्रोध पर, मतलब गुस्सा पर, बोले तुम ही बताओ तुमसे उद्यमी, और गांधी जी बोले नेहरू जी से कि तुम ही बताओ तुमसे उद्यमी, मतलब शोर सरा तुम जैसे शैतान, तुमसे उद्यमी लड़कों की क्या आसपास मेरे कमी, ताकि तुम्हारे जैसे उद्यमी लड़कों की क्या मेरे पास कमी है, उन्हें ठीक रख सकूं इसी के ध्यान से रखता हूं मैं लंबी मोटी यह छड़ी। गांधी जी ने कहा कि तुम जैसे उद्यमी लड़कों की कमी नहीं है मेरे पास,
इसीलिए उनको ठीक रख सकूं, इसी को बात को ध्यान में रखते हुए मैं मोटे डंडा रखता हूं। सुनकर हंसे जवाहर, बापू भी हंसे। दमा कुठी दोनों के निर्मल हंसी से अंधकार से भरी रात की वह घड़ी। सुनकर जवाहर बापू भी हंसे। जब बापू ने कहा कि तुम जैसे उद्मी लड़कों से को सही करने के लिए मोटा डंडा है, तो ये सुनकर जवाहर हंसे। दमा कुठी दोनों की निर्मल, दोनों की हंसी खूब तेज हंसे, खूब गूंज उठी। अंधकार से भरी रात की वह घड़ी, वो रात की घड़ी अंधकार से भरी घड़ी थी, आधी रात थी, दोनों हंस पड़े। ये कविता किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। अगर आपसे कोई पूछता है कि गांधी जी की हिंसा कविता किसने लिखी है, तो आप आंसर देंगे गांधी जी की हिंसा नामक कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। अब देखिए हम लोगों ने पोयम पढ़ी, आपको बेटा ये पोयम पूरी लर्न करनी है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ लिखा है ना, हम बोलेंगे आप मेरे साथ बोलेंगे। खड़ी थी रात की, मतलब रात का समय था, कुटिया झोपड़ी, दीप दीपक, तरा जल्दी मतलब फटाफट, झल्लाकर चिड़चिड़ाकर, अहिंसा किसी को हानि ना पहुंचाने का भाव, लट लाठी डरा रखा। अब हम लोग करेंगे बेटा अभ्यास कर, देखिए पेज नंबर 69 है ना, पेज नंबर 69 के अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज क नंबर, सही विकल्प के आगे सही लगाइए। रात के समय गांधी जी के पास कुछ लोग गए थे, कुछ सरकारी अधिकारी गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे। सामने टिक लगाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड, नन्ना दीप था रसोई में व मेज पर था कुटिया के कोने में। सामने टिक लगाइए, कुटिया के कोने में। थर्ड नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंधियारे में मार्ग स्पष्ट न दिखाई दिया, व लाठी न दिखाई दी, स गांधी जी की लाठी न दिखाई दी। सामने टिक लगाइए, गांधी जी की लाठी न दिखाई दी। फोर्थ नंबर, नेहरू जी का बापू से प्रश्न था, क्या आप प्रेम अहिंसा के हामी हैं, व आप इतना मोटा लठ किस लिए बगल में रखते हैं, सब प्रेम और अहिंसा के हामी होकर भी आप इतना मोटा लठ साथ में क्यों रखते हैं। सामने टिक लगाइए। हाँ, कविता की छूटी पंक्तियाँ लिखी है। देखिए जो कविता की पंक्तियाँ मतलब लाइनें छूट गई उनको पूरा करना है। एक बार की बात गए जब, अभी लाइन छूटी है, गांधी जी के पास जवाहरलाल, घड़ी थी रात की, कुटिया के कोने में नन्हा दीप था। देखिए ये मैंने ये लाइनें पूरी की हैं, अब बाकी आपको कंप्लीट करना है बुक से देख के। ओके बेटा, बुक से देख के आपको ये लाइनें कंप्लीट करनी है। ग, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अंधियारा, झल्लाकर, लड़खड़ाकर, प्रेम अहिंसा, त्वरा। एक बार फिर बोलते हैं, आप बोलिए मेरे साथ बेटा। अंधियारा, झल्लाकर, लड़खड़ाकर, प्रेम अहिंसा, त्वरा। देखिए स्टूडेंट, घ नंबर है, देखिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कंप्लीट करेंगे कॉपी में, क्वेश्चन आंसर अलग करेंगे और कॉपी में उससे चेक करवाएंगे। देखिए भाषा व्याकरण लिखा है ना, भाषा व्याकरण का नंबर, समानार्थी शब्द लिखे। दीप का दिया दीपक, दीपक को दिया भी कहते हैं, दीपक भी कहते हैं ना। क्रोध गुस्सा आक्रोश, अंधेरा अंधकार प्रकाशहीन, पंडित सुधी विद्वान, रात रात्रि निशा, डंडा लाठी छड़ी। ख नंबर, वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेम, सभी से प्रेम करना चाहिए, ये आपका होमवर्क, मैं आपको बता दें आपको ऐसे ही करना है अब बेटा, ठीक है ना, ये आपको करना है, मैंने आपको दो करके समझा दिया है। अहिंसा, आप प्रेम अहिंसा के स्वामी हैं।
ये आपका होमवर्क है, आपको करना है पूरा। ये शब्द लड़ी वाक्यों में प्रयोग, शब्द लड़ी देखिए ये भी बता दिया आपको, कंप्लीट करना है आप करेंगे, ठीक पूरा आपको करना है, आप करेंगे बुक में कंप्लीट करेंगे पेंसिल से, फिर मैं आपकी बुक चेक करूंगी। देखिए स्टूडेंट आपको होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। घा बहुवचन लिखिए, लाठी का लाठियां, चश्मा चश्मे, चरखा चरखे, सीटी सीटियां, सुराही सुराहियां, घड़ी घड़ियां। कौशल और योग्यता सोच कर बताइए। नंबर वन, जीवन प्रेममय हो, सभी परस्पर प्रेम करते हो, व्यतीत हो सरलता से प्रेम से। ये आपका पूरा होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है बुक में, मैं आपकी बुक चेक करूंगी, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पार्ट 10 गांधी जी की हिंसा पाठ पढ़ा ना, वो बुक रीडिंग की एक्सरसाइज की। अब हम लोग क्या कर पढ़ेंगे, कठिन शब्द हार्ड वर्ड मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे। अंधियारे, पहुँचे, लड़खड़ाकर, गुस्से झल्लाकर, क्रोध, तुम ही, उद्यमी, सकूं, सुनकर, निर्मल, हंसे, अंधकार। देखिए स्टूडेंट अभी हम लोगों ने कठिन शब्द पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10 गांधी जी की हिंसा के शब्द वर्ड मीनिंग। ये शब्द लिखा है, याद लिखा है ना, मैं बोलूंगी आप मेरे साथ बोलेंगे। घड़ी थी रात की, रात का समय था, कुटिया झोपड़ी, दीप दीपक, त्वरा जल्दी, झल्लाकर चिड़चिड़ाकर, अहिंसा किसी को हानि ना पहुंचाने का भाव, लट लाठी, डला रखा। ये आपको शब्द पीडीएफ में मिलेंगे, पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करिएगा, हेडिंग डाल के कायदे से, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने लेसन 10 के हार्ड वर्ड वर्ड मीनिंग पढ़ी, और अब हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, मैं प्रश्नोत्तर बोलूँगी आप मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद पीडीएफ निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे, नीट एंड क्लीन विद पिक्चर आपका वर्क होना चाहिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, गांधी जी के पास जवाहरलाल किस समय गए थे? आंसर, गांधी जी के पास जवाहरलाल रात के समय गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कुटिया किस साधन से प्रकाशित थी? आंसर, कुटिया नन्हे दीप से प्रकाशित थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीप जलने पर भी कुटिया में पर्याप्त प्रकाश क्यों ना था? आंसर, दीपक जलने पर भी कुटिया में पर्याप्त प्रकाश ना था, क्योंकि दीपक छोटा था और एक कोने में रखा था। क्वेश्चन नंबर फोर, जवाहरलाल जी को लाठी क्यों ना दिखाई दे सकी थी? आंसर, जवाहरलाल जी को लाठी इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि कुटिया में पर्याप्त प्रकाश ना था, प्रकाश में रोशनी। क्वेश्चन नंबर फाइव, जवाहरलाल जी ने गांधी जी से क्या पूछा? आंसर, जवाहरलाल जी ने गांधी जी से यह पूछा कि आप प्रेम अहिंसा के स्वामी हैं, फिर इतना मोटा लट क्यों रखते हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स, जवाहरलाल के प्रश्न का गांधी जी ने क्या उत्तर दिया? गांधी जी ने यह उत्तर दिया कि तुम जैसे उद्यमी लड़कों को ठीक करने के लिए मैंने यह लट रखा है। समझ में आया बेटे? क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे, फिर कॉपी में उसे चेक कराएंगे। और आप लोगों का होमवर्क है
बुक रीडिंग लेसन 10 आपने पढ़ा है आज, बुक रीडिंग हार्ड वर्ड वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सब आपको लर्न करना है, आज से सुनूंगी मैं और कॉपी कंप्लीट करके कॉपी स्कूल में सबमिट करनी है, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू क्लास।